बोलिए सुधीर जी, ये जो परिहार साहब ने जो सब्जेक्ट उठाया है, दरअसल इसको ना हमें एक ही तरफ से देखना सिखाया गया है, और जो देखना सिखाया गया है वो नेगेटिव देखना सिखाया गया है, और उस नेगेटिव देखने में जो बल मिलता है वो बाबा साहब की आगरे की कोटेशन से मिलता है कि बाबा साहब ने कहा था कि पढ़े लिखों ने धोखा दिया है। तो सबके माइंड ऐसे ही मेकअप हो गए कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने तो सभी तरफ से ऐसा लगता है जैसे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है और ये अफसर आ नहीं रहे हैं और ये अफसर आते नहीं हैं। दरअसल ऐसा नहीं है, अगर आप भारत के बाकी मूवमेंट में देखेंगे और अपने मूवमेंट में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हम सबसे ज्यादा संख्या में पढ़े लिखे लोग हैं जो मूवमेंट को चला रहे हैं। जो दिक्कत जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो दिक्कत हमें देखनी है। वो दिक्कत क्या है? क्योंकि 70 साल पहले बाबा साहब के साथ में हुआ होगा, अभी नहीं है। भारत में जो मूवमेंट बूस्ट हुई है वो पढ़े लिखे लोगों ने चलाई है, पढ़े लिखे लोगों ने पैसा दिया है। पढ़े लिखे लोगों के अलावा हमारे पास में ना टैलेंट है, ना पैसा है, और ना ही कुछ करने की क्षमता है। बाकी लोग तो बहुत ज्यादा दबे कुचले हैं, वो तो बेचारे सोच भी नहीं पा रहे। जो दिक्कत आई और जो हम लोग नहीं देख पा रहे, जिसको हम काउंटर नहीं करे, जिसको फेस नहीं कर रहे, वो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ संगठन या खेमे या टुकड़े बहुत ज्यादा है। जैसे हर राज्य के अंदर कुछ आईएएस और कुछ आईपीएस और कुछ रिटायर्ड और कुछ पीसीएस हर राज्य में है। कुछ लोगों ने तो रिटायरमेंट भी ले लिया, कुछ उन्हें नौकरियां भी छोड़ दी हैं, मगर वो सारे के सारे अलग अलग हैं। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में लेंगे तो महाराष्ट्र स्टेट में धर्म का काम करने वाले जो सीनियर अफसर हैं वो कभी एक साथ नहीं बैठते। जो अगर आप कुछ आईपीएस को देखेंगे जो काम कर रहे हैं वो एक साथ नहीं है, कुछ जो रिटायर्ड लोग हैं वो एक साथ नहीं है। जो अफसरों की बात छोड़ दें, कुछ लोगों ने इंडिविजुअल भी अपने अपने काम किए हैं। जो कुछ आईआरएस हैं, 5-7 तो आईआरएस ऐसे हैं जिनके मैं नाम टिप से बता सकता हूँ, जो अलग अलग काम कर रहे हैं। उनमें एक साथ काम करने की बात ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले काम कर रहे हैं तो सफल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा आदमी अफसर के पीछे चलता है। उसको लगता है ये अफसर है, इससे मेरा कुछ काम निकल आएगा तो उसके पीछे चलना चाहिए। वो ये भूल जाता है कि वो अफसर का भी काम खराब कर रहा है, समाज का भी कर रहा है और अपना भी कर रहा है। क्योंकि अकेले चलने से ना तो अफसर का काम होगा जिसने जिस उद्देश्य से छोड़ा है, ना समाज का होगा, ना ही उसका होगा जो उसके पीछे चमचागिरी करता है या उसके पीछे चापलूसी करता है। इस बात को कहने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने संगठन बना के बैठे हुए हैं। जैसे जो बामसेफ संगठन है, बामसेफ संगठन में सारे पढ़े लिखे कर्मचारी हैं और सारे बड़े लेवल के हैं, और वही पैसे देते हैं और वही टाइम देते हैं और वही टैलेंट देते हैं। और वो पढ़े लिखे अधिकारी जो लोगों को जगाने वाले हैं वो खुद जगे हुए नहीं है। वो कभी खुद नहीं कहते कि भाई हम टुकड़ों में टूटे हुए हैं तो हम कैसे मुकाम तक पहुंचेंगे, कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे। उनको लगता है कि हम लंबी लकीर खींचेंगे, हम पहुंच जाएंगे। वो लंबी लकीर के चक्कर में उन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया। और उन्होंने क्या सत्यानाश किया, हमने अपना सत्यानाश खुद कराया है, क्योंकि हमने उन सबको एग्जिस्टेंस दी है, हमने उन सबको वजूद दिया है, हमने उन सबको रिकॉग्निशन दी है, हमने उन सबको माना है, मान्यता दी है। और हम कहते हैं जितने संगठन आ रहे हैं हम सब में जाते हैं, हम तो सबके साथ हैं। मतलब हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हमको ये समझ में नहीं आती कि संगठन का मतलब क्या होता है। या तो हम ये कहें कि जितने हमारे टुकड़े हैं हम सब टुकड़ों के साथ हैं, हम संगठन कहना बंद करें उनको। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि जितने संगठन हैं उनके साथ हैं तो हम अपने आप से बेईमानी करते हैं, बाबा साहब से बेईमानी करते हैं, अपने बच्चों से बेईमानी करते हैं। तो हमें कम से कम शब्दों में ये कहना चाहिए जितने हमारे टुकड़े हैं, जितने हमारे समाज के टुकड़े हैं, हम तो हर टुकड़े को आगे बढ़ाएंगे, हम तो टुकड़े टुकड़े करने में सबसे आगे हैं। ये लो भाई सब पैसे ले जाओ, सबके साथ हैं, सबके साथ रहेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि टुकड़े बढ़ाने से टुकड़े ही होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। तो ये सेंटेंस बदलना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस हम उठा रहे हैं बड़ी गलती से कि संविधान खतरे में, इसको अब ठीक करने में लगे हैं वी द पीपल के लोग, अब इसको ठीक कर रहे हैं। भाई संविधान खतरे में नहीं है, हम खतरे में हैं, इसको ठीक कर लो सेंटेंस को। अगर अपने आप को और अपने बच्चों को खतरे में बताओगे तो जीत जाओगे, संविधान को खतरे में बताओगे तो हल्का सा लगता है। कहता है संविधान खतरे में तो एमपी एमएलए देखेंगे, राजनेता देखेंगे, हमारा क्या काम उसमें। ये परसेप्शन जाता है। इसलिए हमको जो काम करना है वो ये काम करना है कि सारे अफसरों को, सारी एनर्जी को ये बार 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 रियलाइज कराना है, बार बार उनको इसका आभास कराना है, बार बार उनको ये बताना है भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम बेशक बाबा साहब के नाम पे कुछ भी कर रहे हो मगर ये बाबा साहब की आइडियोलॉजी नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। तुम जो बाबा साहब के टुकड़े टुकड़ों को समर्थन दे रहे हो, बाबा साहब के समर्थन दे रहे हो। ये सेंटेंस और ये वाक्य जब हम बार 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 कहेंगे। अभी एक मीटिंग में मैं गया था, वहां एक एक व्यक्ति कह रहा जी उधर जो वी द पीपल चलता है उसमें ये कहते हैं कि पैसे मत दो।
अब जो संगठन ठीक है उनको तो पैसे देने चाहिए। अरे भाई कौन डिसाइड करेगा कि संगठन ठीक है या खराब है? चार संगठन है, चारों अलग अलग हैं, तो पहले जो संगठन के मायने हैं उसी में गलत हो जाते हैं। तो उनको कहो कि सारे एक साथ हो जाए, फिर पैसा देंगे। वी द पीपल कब कहता है कि भाई पैसे नहीं देने चाहिए? वी द पीपल तो ये कहता है इकट्ठे होके आइए, हम पैसा देंगे, अलग अलग नहीं देंगे। अब इकट्ठे होके तुम आओगे नहीं तो पैसा हम देंगे नहीं। हमारा पैसा बर्बाद जाता है, हमारे ही लिए नुकसान पैदा करता है, क्योंकि तुम अलग अलग काम करते हो, टुकड़े टुकड़ों में काम करते हो, उससे रिजल्ट नहीं आते और बेकार होता है। तो यहाँ जितने भी मेरे साथी हैं और जितने भी वीदा पीपल के लोग हैं या जो उसमें सुन रहे हैं, जो और भी लोग हैं, उनको सभी से ये कहना चाहिए, क्योंकि इस समाज में जितने अवसर हैं, अगर वो एक दिन के लिए भी इकट्ठे हो जाते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपकी 50% समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि बाबा साहब ने जो सेंटेंस कहा था कि देखो जब तक बुद्धिमान जानकार जागृत लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, काम नहीं बनेगा, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी है। और वो जागृत लोग भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उन्होंने बाबा साहब की हर चीज का फायदा उठाया है, तो उनको इकट्ठा होना चाहिए, तो उनको और फायदा होगा। आप अफसरों से कहोगे भाई आप इकट्ठे हो जाओगे तो आपको और फायदा होगा, वो आएंगे फिर, क्योंकि अपने बच्चों के लिए और अपने फायदे के लिए आएंगे। आज की डेट में आईएएस अफसरों के बच्चे आईएएस नहीं बन रहे हैं, वो परेशान है। आईपीएस अफसरों के बच्चे आईपीएस नहीं बन रहे, परेशान है। वो जो बड़े अफसर हैं उनके बच्चे अब अफसर नहीं बन रहे, वो परेशान है। उनको हमारी जरूरत तो बहुत ज्यादा है, यानी हमें उनकी जितनी जरूरत है वो तो बहुत कम है, उनको हमारी जरूरत ज्यादा है। इसलिए सही मौका है, उनको बार बार ये कहना चाहिए भाई इकट्ठे हो जाओ, तुम छह IRS हो, छह अलग अलग काम करोगे, तुम्हें कौन पूछेगा? एक साथ इकट्ठे हो जाओ सारे सारे, तो एनर्जी ऊर्जा पैसा बचेगा, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तुम्हें देख के, तो बात बनेगी। धन्यवाद। थैंक यू सिद्धिराज जी।